से दिग्विजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस एमएलए सोहन वाल्मीकि ने खोला है मोर्चा। दिग्विजय सिंह अपने विवादित ट्वीट में शेयर किए हुए वीडियो का प्रमाण दे, ये वाल्मीकि ने बोला है, और अपने ट्वीट से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा ना करें दिग्विजय सिंह, ये बात कही गई है। छिंदवाड़ा के परासिया से कांग्रेस के विधायक हैं सोहन वाल्मीकि, और सबसे बड़ी बात है कि अब पार्टी के नेता खुद अपने पार्टी के शीर्ष यानी कि बड़े नेताओं के खिलाफ में आंदोलन पर आ गए हैं। और ये परासिया से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो एमएलए हैं परासिया के वो खुद मुखर हो चुके हैं। दिनेश शुक्ल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं भोपाल से। दिनेश, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं दिग्विजय सिंह, अब वो उनके खिलाफ उनके ही पार्टी के विधायक उनके ही पार्टी के नेता खड़े हो चुके हैं, मुखर हो रहे हैं दिनेश। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया से एमएलए विधायक हैं सोहन वाल्मीकि, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए ये लिखा है उसमें कि ये कांग्रेस को कटघरे में खड़ा ना किया जाए। आज सुबह ही राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया था, उसके बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है और उनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर बात की जाए तो जिस तरह से दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर हंगामा मचा हुआ है, राजनीति गर्म है, अब ये पार्टी के ऊपर आती दिख रही है। जिस तरह से खरगोन में पत्थरबाजी हुई रामनवमी के दिन, और उसके बाद पूरे प्रदेश में इस घटना को लेके लगातार भत्सना की जा रही थी और कर्फ्यू वहां पर लगाया गया था, लेकिन आज सब जब राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया तो पूरा मामला दूसरी तरफ जाता हुआ दिखा। कुल मिलाकर बात की जाए तो चूंकि दिग्विजय सिंह हमेशा ही विवादों में रहे हैं और उनके जो बयान आते रहे वो भी कांग्रेस बीजेपी के लिए, दिनेश तो कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह के ये बयान और आज नहीं पहली बार हुआ, हमेशा ऐसे आते रहते हैं, जिसके वजह से कटघरे में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है और झेलना कांग्रेस पार्टी के नेताओं को होता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता है जो विधायक के, वो साफ तौर पर अब कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह आप अपना काम करिए लेकिन पार्टी को कटघरे में खड़ा मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी साझा की। बड़ी खबर ये परासिया से हम आपको दिखा रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी